हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका अपने चैनल स्टडी जर्नी वीडियो में मैं स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि जो इंग्लिश की जो क्लासेज हैं वो मैं स्टार्ट करूँ, तो आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश की फ़र्स्ट क्लास लेकर के आई हूँ इस सेसन की। ओके, पिछले जो लास्ट सेसन एसटेट का एग्ज़ाम हुआ था तब मैंने आप लोगों को क्लासेज प्रोवाइड की थी, आप लोगों ने उनको अच्छा प्यार दिया था। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपके पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि ये जो क्लासेज हैं, चाहे आपका एसटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, यानी जहाँ पर भी आप लोगों की क्या आ रही है, इंग्लिश आ रही है, तो वहाँ पर जनरल इंग्लिश के लिए ये जो क्लासेज हैं वो एक रामबाण का काम करेंगी। अगर आपका बेसिक भी बिल्कुल कमज़ोर है तब भी आप इन क्लासेज से काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्पेशली टारगेट है मेरा एसटेट का, और अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसका भी मेरा टारगेट रहने वाला है। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, जो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो इंग्लिश की जो शुरुआत है सब कहाँ से करते हैं, टेंसेज से करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, टेंस क्या होता है कि सबसे मतलब एक बेसिक चीज़ होती है टेंस। हिंदी में टेंस को क्या कहते हैं, काल कहते हैं, समय कहते हैं टेंस को। तो सबसे इंग्लिश ग्रामर की बिल्कुल बेसिक से आपकी तैयारी स्टार्ट करवाना चाहती हूँ, और आज जो मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट टॉपिक लेकर के आई हूँ वो हमारा रहने वाला है टेंस, हिंदी में जिसको काल कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब जो टेंस होता है वो होता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई जो क्या बताता है, टाइम के बारे में बताता है, वो क्या होता है, काल होता है। लेकिन जो टेंस की जो डेफिनेशन है वो पूर्ण किस तरह से होगी, इट टेल्स अबाउट द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। टाइम भी बताए और जो कोई एक्शन हो रहा है उसकी स्टेट भी बताए, उसकी अवस्था भी बताए, तो वो क्या होती है, टेंस की कंप्लीट डेफिनेशन होती है। भाई क्या समय चल रहा है, क्या वहाँ पे अवस्था चल रही है, ये पूरा जो बताता है वो हमारा क्या होता है, टेंस होता है। इतना सभी आप लोगों को पता है कि भाई जो किसी कार्य के होने का समय का जो बोध करवाता है उसको हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं ना हिंदी में, तो वही काल ही क्या है इंग्लिश में, टेंस है। ओके, जो क्या बता रहा है, टाइम एंड स्टेट बताता है किसी भी एक्शन की, किसी भी क्रिया की। ओके फ्रेंड्स, जो टेंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आप लोगों को लेकर के चलूँगी, बिल्कुल आपको धैर्य से इस क्लास को देखना है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। आपको ये भी बताऊँगी कि एग्ज़ाम में आप लोगों से किस तरह की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेंस थ्री टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट टेंस होता है वो हमारा कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस। सेकेंड कौन सा होता है हमारा, पास्ट टेंस। और थर्ड कौन सा होता है हमारा, फ्यूचर टेंस। ये तीनों टेंस आप लोगों ने सुने होंगे, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है, ठीक है, वर्तमान की जो बातें बताएगा वो हमारा प्रेजेंट टेंस, जो भूतकाल की जो बीत चुका है उसकी जो बातें बताएगा वो हमारा पास्ट में। फ्रेंड्स, हमारे पास जो ये तीन टेंस होते हैं मैंने आपको बताए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, आगे इनकी क्या होती है, चार चार इनके सब टाइप्स भी होते हैं, चार चार इनके सभी के सब टाइप्स बन जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम टोटल देखेंगे तो हमारे पास 12 बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे भाई, तीन तो मेन हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आगे फिर प्रेजेंट के देखेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो चारों टेंसेज हैं, ये जो आपको चारों सब टाइप्स हैं, तो इस तरह से आपको टोटल 12 जो टेंसेज हैं उनको पढ़ना है, सारे के सारे 12 के 12 मैं आपको करवाऊंगी, उनके रूल बताऊंगी कि भाई किस तरह से उनकी फॉर्मेशन होती है और कहाँ पर कौन सा जो टेंस है उसको अप्लाई करना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना वो एरर की फॉर्म में पूछेगा, आपसे वहाँ पर वर्ब फिल करनी दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे देगा। मान लो आपसे ऐसे दे दिया, आपको दे दिया उन्होंने द सन ऐसे ब्लैंक इन द ईस्ट। पहले एक बार आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपसे उन्होंने वर्ब दे दी राइज, तो यहाँ पे आप राइज लिखोगे, राइजेज लिखोगे, राइजिंग लिखोगे, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, तो ये आपको सही करना होता है, ठीक है। तो इन सब के रूल होते हैं, वो रूल मैं आपको एक एक करके कंप्लीट पढ़ाते हुए चलूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। टेंस की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, टाइप्स आप लोगों को क्लियर हो गया, और ये जो नोट्स हैं इनसे पढ़ाने का एक फ़ायदा ये है कि आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें मैं दे पाती हूँ। ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब जो प्रेजेंट टेंस है वो क्या होता है, एनी एक्शन विच इज़ डन एट द प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है वही हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। तो उसकी चार मैंने आपको क्या बताई हैं, सब टाइप्स बताई हैं, कौन कौन सी, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जो प्रेजेंट इंडिफिनिट, नाम से फ्रेंड्स क्या है, इनडेफिनिट, जो इनडेफिनिट है यानी डेफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है। तो यहाँ से ना तो उसका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसकी हिंदी में पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं आते हैं,
प्रेजेंट इंडेफिनेट की हिंदी में पहचान क्या होती है कि चलो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस देखो। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की हिंदी में पहचान क्या होती है फ्रेंड्स, कि वाक्य के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या आ गया, राम स्कूल जाता है। तो अब हमें इसको इंग्लिश में बनाना आना चाहिए। मैंने पहले ही बोला है आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाऊँगी। तो जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर क्या बनती है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद एस या ई एस। वो एस या ई एस भी बताऊंगी कहाँ पे लगता है और कहाँ पे नहीं लगता है, और फिर आपको क्या लगाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कौन होता है, काम को करने वाला होता है। काम को कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना को क्या कहते हैं इंग्लिश में, गो, तो राम गो। उसके बाद एस या ई एस, तो यहाँ पे ई एस लगेगा। अभी मैं आपको क्लियर करूँगी क्यों लगा। तो राम गोज़ टू स्कूल, ये क्या हो जाएगी इसकी, इसका इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन हमसे जो हमारा एग्ज़ाम आएगा, एसटेट का एग्ज़ाम हो गया, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो गया, तो वहाँ पे हमसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करवाएगा क्योंकि हम सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे नहीं हैं। हमसे क्या करवाएगा, या तो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में देगा, या मैंने अभी जो एसटेट के जो पीआरटी के जो पेपर थे उनके अंदर जो कॉमन सेक्शन होता है उसको एनालाइज किया है, तो वहाँ पे आपसे पूछ लेगा, आपको एक क्वेश्चन दे देगा ऐसे, राम गोज टू स्कूल, इसके अंदर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इस तरह से आप लोगों को चार ऑप्शन दे देगा और आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा टेंस है। जो पीआरटी लेवल के जो पेपर थे उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, साथ में जो केवीएस वगैरह के जो एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, हिंदी में पहचान पता लग गई, उसकी स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगी ये पता लग गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो एस या ई एस है वो कहाँ पर लगते हैं। तो फ्रेंड जो एस या ई एस है वो लगता है हमारे थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन के साथ, एस या ई एस लगता है। अब थर्ड पर्सन क्या होता है फ्रेंड, जो पर्सन होते हैं वो कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैंने जब आप लोगों को हिंदी में भी बताया था, ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हम किसको मानते हैं, अपने आप को मानते हैं, ठीक है ना। अपने आप को हम क्या मानते हैं, फर्स्ट पर्सन मानते हैं। तो जो आई वाले होंगे, मैं से रिलेटेड जितने भी होंगे, आई माई मी, तो वो सब किस में आएंगे, फर्स्ट पर्सन में आएंगे। सेकेंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे होते हैं, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो यू वाले जो जितने भी कैटेगरी के हैं वो सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। थर्ड पर्सन हम किसी थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, ही, सी, इट, दे, एनी सिंगुलर नाउन, किसी का भी नाम, सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, तो ये सब क्या आएंगे, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, थर्ड पर्सन। तो जो हमारा एस या ई एस है वो सभी के साथ नहीं लगता है, वो सिर्फ किन के साथ लगता है, जो हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर नाउन हो, एक वचन संज्ञा हो। तो थर्ड पर्सन में हमारे क्या हैं, ही, सी, इट, दे, एनी नाउन, ये हैं। तो ही के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा। सी के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस। ये एस या ई एस ये किसके साथ लगता है, वर्ब के साथ लगता है। ओके, अगर आपका ही, सी, इट ये सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगा दोगे, दे है तो नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है भाई, कैसी नाउन होनी चाहिए, सिंगुलर नाउन होनी चाहिए, दे सिंगुलर नाउन नहीं है। ओके, या फिर किसी चीज़ का नाम होता है तो नाम भी क्या होता है, अपने आप में सिंगुलर होता है, तो उनके साथ हमें क्या लगाना है, एस या ई एस लगाना है। क्लियर हो गया यहाँ पर। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं आप लोगों को एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। वे क्रिकेट खेलते हैं, मैंने आपको क्या कहा, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो आपको इसको, जो आप इसकी इंग्लिश बनाते हो वो कैसे बनाओगे, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर हम देखेंगे कौन सा टेंस है, लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है, कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट यानी दे, उसके बाद प्ले। तो अब हमें देखना है कि एस या ई एस लगाएं या नहीं लगाएं। तो यहाँ पे देखिए, दे क्या है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ एस या ई एस नहीं लगता है, तो सीधा क्या आ जाएगा, दे प्ले क्रिकेट, क्या हो जाएगा, दे प्ले क्रिकेट। ओके, एक देखिए, दूसरा देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा वह गाना गाती है, मैंने आपको क्या कहा, वह गाना गाती है। तो इसकी जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो हमने क्या देखा भाई, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट सी, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या होगी, गाना की क्या होती है, सिंग। अब देखेंगे एस या ई एस लगाना है या नहीं लगाना है। तो ये देखिए, ये क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है ना, तो ये क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा। तो सी सिंग्स,
अ सॉन्ग, सी सिंग्स अ सॉन्ग, वही गाना गाती है. ओके क्लियर. तो यहाँ पे एस सी आई एस लग जाएगा. तो एस सी आई एस का आपको फंडा समझ में आ गया होगा. अब मैंने आपको देखिए गो बताया था, तो गो के साथ तो मैंने क्या लगाया था, ई एस लगाया था, जबकि यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, एस लगाया है. तो इसमें क्या डिफरेंसेज होता है, कहाँ पे एस लगता है और कहाँ पे ई एस लगता है, इस चीज़ को समझिएगा. जो ई एस है वो कहाँ पे लगेगा, कि जो आपकी वर्ब होगी उसके अंत में डबल एस, ई एस, एस एच, ओ एक्स, ऐसे आपको जो अल्फ़ाबेट हैं वो देखने को मिल जाएं, तो आप क्या लगाओगे, ई एस लगाओगे. अदरवाइज आपको क्या लगाना है, एस लगाना है. तो ये तो सब थी बेसिक चीज़ें, आपको क्लियर हो गई होंगी. अब मैं आगे आपको रूल भी बताने वाली हूँ, ठीक है. अगर क्लियर नहीं हुआ है तो यहीं से दोबारा देखिए इसको, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखिए आगे देखिए, वही जो टेंस, जो सेंटेंस बनते हैं वो तीन फॉर्मेट में बन सकते हैं. कौन कौन से, ये तो बिल्कुल छोटी चीज़ है, मुझे नहीं लगा आपको बताने की ज़रूरत है. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव. ओके, राम गोज़ टू स्कूल, ये कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल साधारण सेंटेंस है. राम डज नॉट गो टू स्कूल, तो डज यहाँ पे किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है. जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है हमारा, डू और डज क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब का काम करती है नेगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. जबकि जो हमारे सिंपल सेंटेंसेज होते हैं उनके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. डू या डज क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में. किसके साथ लगती है, नेगेटिव सेंटेंस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लगती है. ओके तो वही बात है, डज कहाँ पे लगेगा, डू कहाँ पे लगेगा, जो जहाँ पे एस या ईएस लगता था, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ, तो क्या लगेगा, डज लगेगा. अदरवाइज आपका क्या लगेगा, डू लगेगा. ओके, राम डज नॉट गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल, इंटरोगेटिव, डजेंट राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं गए, नहीं जाता है, तो ये क्या हो गया हमारा, इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव भी. ओके, यहाँ तक क्लियर है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में मुझको बताइएगा, ठीक है. अब फ्रेंड्स बात करते हैं रूल की, क्योंकि हमारे लिए रूल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ पे होता है. तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज कोई भी हैबिचुअल सेंटेंसेज हो, कोई रेगुलर सेंटेंसेज हो, रिपीटेड एक्शन हो, बार बार में एक एक्शन मतलब उसी क्रम से होता जा रहा हो, तो वहाँ पे किस टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं. जैसे कि ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, वो प्रत्येक संडे को यहाँ पे आता है. तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, वो एक रेगुलर मतलब रूटीन से काम चल रहा है, एक वो रिपीटेड एक्शन है भाई, जब भी संडे आता है फिर आता है वो, ठीक है. तो इस तरह का जब रिपीटेड सेंटेंस होगा, कोई रिपीटेड एक्शन होगा, हैबिचुअल मतलब उसका हैबिट बन चुका है ऐसा भाई संडे को यहाँ पे आना. वह रोजाना क्या करती है, न्यूज़पेपर पढ़ती है, सी रीड्स ए न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, वह सुबह रोजाना क्या करती है, न्यूज़पेपर पढ़ती है. तो ये उसकी क्या हो गई, रूटीन हो गई. जब हमें रूटीन वाले वर्क दिखाने हो, कोई रेगुलर वर्क दिखाने हो, कोई हैबिचुअल किसी की कोई आदत बन चुकी है, ठीक है भाई मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो ये मेरी क्या बन चुकी है, आदत बन चुकी है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक. मैं आपको डेली क्लास प्रोवाइड करती हूँ, तो ये क्या है, मेरी आदत बन चुकी है. तो ऐसे जो सेंटेंसेज होंगे तो वहाँ पे किस टेंस का यूज करना है हमें, प्रेजेंट इंडेफिनेट का. और प्रेजेंट इंडेफिनेट में आप लोगों को पता है वर्ब की क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके साथ एस या ई एस लगता है, वो हम अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया. अब देखिए फ्रेंड्स, जो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं वो क्या क्या हैं, जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, स्केयरली, हैबिचुअली, एवरी वीक, ट्वाइस ए मंथ, जो इस तरह के जो भी आप लोगों को एडवर्ब मिलेंगी, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है. क्लियर, आप लोगों को मिल जाता है ऑलवेज, ओफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली. फ्रेंड्स ये क्या शो करते हैं, किसी भी रूटीन को ही शो करते हैं ये, भाई हम जो काम है वो यूजुअली कर रहे हैं, ऑलवेज कर रहे हैं, जनरली कर रहे हैं, या फिर हम कभी कभी, ओफन प्राय कर रहे हैं, सेल्डम, नेवर, कभी नहीं करते. तो ये सब क्या बताते हैं, एक रूटीन को ही शो करते हैं. तो ये सब किस टेंस में आएंगे आपके, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का आप यूज करोगे अगर इस तरह के आपको जो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं वो दिखाई देती हैं तो. ओके, फर्स्ट रूल क्लियर हो गया. सेकंड देखिए,
कोई भी आप लोगों को यूनिवर्सल ट्रूथ मिल जाता है, कोई प्रिंसिपल है, कोई परमानेंट एक्टिविटीज़ है, यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक तथ्य है जो सभी जगह पर मान्य है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो किधर निकलता है, ईस्ट में निकलता है, सभी को पता है, सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, तो ये क्या है, सार्वभौमिक तथ्य हैं, ये यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, ट्रूथ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज की जाती है, ओके। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब यहाँ पे एस क्यू लगाया है, क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन है, टू एंड टू मिक्स फोर, दो और दो चार होते हैं, बिल्कुल सही फैक्ट है ये। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर, जो वाटर है वो कहाँ कब बॉयल होता है, 100 डिग्री टेम्परेचर पर वो क्या होने लग जाता है, बॉयल होने लग जाता है। तो ये सब सदी हुई चीज़ें हैं, सार्वभौमिक तथ्य हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, तो ये कभी बदलने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे भी किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब आपको क्वेश्चन इसी तरह से मिलेगा, आपको दे देगा वाटर, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे आप कौन सी वर्ब लगाओगे अकॉर्डिंग टू टेंसेस, तो कौन सी वर्ब लगेगी यहाँ पे, बॉयल्स, ओके। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पोजेशन, अधिकार दिखाना हो कोई भी, पजेशन के लिए भी किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज पजेशन के लिए, अधिकार के, जैसे दिस पेन बिलोंग्स टू मी, इस पेन का संबंध मुझसे है, तो ये जो अधिकार जो होते हैं इसके लिए भी किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। ही ओन्स ए बिग बिल्डिंग, उस वो एक बिग बिल्डिंग का क्या है भाई, ओनर है उसका, ठीक है। तो जब पजेशन दिखाना हो तब भी किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं, याद रखेंगे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टूल हमारा आता है, कोई मेंटल एक्टिविटी हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, उनको एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। जैसे कि वी बिलीव इन गॉड, तो ये हमारे इमोशंस को शो कर रहा है ना, हमारी फीलिंग्स को शो कर रहा है, हम गॉड के अंदर बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या लगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज हुआ है। आई थिंक सी इज़ ऑलवेज रॉन्ग, मैं क्या सोचती हूँ कि भाई वो हमेशा क्या होती है, रॉन्ग होती है। तो इसमें क्या हुआ, वो मेरी क्या दिखा रहा है, मेरी फीलिंग्स दिखा रहा है कि ऐसी मेरी मेंटल एक्टिविटी बन चुकी है। आई कंसिडर दैट, मैं क्या कंसिडर करती हूँ, ही इज़ ए गुड सिंगर, तो ऐसा मैं मानती हूँ, ये मेरी मेंटल एक्टिविटी बन चुकी है, ये मेरे इमोशंस बन चुके हैं। तो ये सब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। अब देखिए जो आपको वर्ब दिखाई दे रही हैं इनको नोट कर लीजिए, रिमेंबर, नो, अंडरस्टैंड, नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, एग्री, अपीयर, लुक, सीम, फील, लाइक, लव, हेट, थिंक, कंसिडर, ट्रस्ट, इमेजिन, मीन, फॉरगेट, सपोज, माइंड, ये सब क्या है, ज़्यादातर किसको एक्सप्रेस करती है, मेंटल एक्टिविटीज़ को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं। तो यहाँ पे आपको 99.9% प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ देखने को मिलता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं करेंगे कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगा देंगे, काफ़ी बार इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है, ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 5, फिक्स्ड प्रोग्राम, कोई फिक्स्ड प्रोग्राम है, कोई फिक्स्ड प्लान है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि ही गोज़ टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, वो दिल्ली कब जाएगा, नेक्स्ट मंथ जाएगा, तो ये हमारा प्लान बन चुका है, ठीक है ना। तो हमारे कोई नेक्स्ट जो फ्यूचर जो हमारे प्लान हैं उनको एक्सप्रेस करना है, फ्यूचर कोई प्रोग्राम है उनको बताना है, तब वहाँ पे किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इन कंडीशनल सेंटेंसेज, जो कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं, आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेज भी पढ़ाऊंगी मैं, तो कंडीशनल सेंटेंसेज में फ्रेंड्स दो तरह के क्लोज यूज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लोज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। तो जो प्रिंसिपल क्लोज होता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है, वो किस में होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में, और फ्यूचर टेंस में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी भाई उसमें जो हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है आपको, विल और शैल देखने को मिलती है। तो वहाँ पे जो दूसरा जो क्लोज होता है जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे, वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट, यानी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इन कंडीशनल सेंटेंसेज के अंदर जहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, जो प्रिंसिपल क्लोज है हमारी वो किस में है, सिंपल फ्यूचर में है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, ओके। देखिए किस तरह से, जैसे कि आई सेल टीच हर इफ सी कम्स, तो आई सेल टीच हर,
मैं उसको भाई पढ़ाऊंगा, कब पढ़ाऊंगा, ये कंडीशनल कंडीशन कंडीशन सेंटेंसेज होते क्या हैं, जहाँ पे कंडीशनल होंगे, कंडीशंस होंगे, शर्तें होंगी, तो भाई तभी तो पढ़ाऊंगा जब वो क्या करेगी, आती है। तो यहाँ पे इफ़ आई सेल टीचर, ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो जो हमारी प्रिंसिपल क्लोज है उसमें क्या आ रहा है, विल सेल आ रहा है। विल सेल यानी उसमें कौन सा टेंस है हमारा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस जब हमारा होता है तो जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज होता है उसके साथ हमारी क्या लगता लग जाता है, हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे ही इफ सी कम्स, ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया। इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, यू विल विन द रेस, ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है और ये हमारी फ्यूचर में है। मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर में कौन कौन से टेंसेज होते हैं, पास्ट में कौन कौन से होते हैं, सारे आपको समझाऊंगी धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा सा देखते हुए समझते हुए चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा यहाँ पे इफ़ यू फास्ट, तो आप क्या देखेंगे भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारी ये प्रिंसिपल क्लोज है और यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, विल सेल का यूज हो रहा है। विल सेल का यूज होता है तो जो हमारा सबॉर्डिनेट क्लोज होता है वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हियर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज जिनमें वाओ हाउ मतलब कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे मतलब अचंभे वाले होते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं हमारे। आपको सेंटेंसेज पढ़ाऊंगी तब अच्छे से बताऊंगी। तो जो हियर और देयर से जो शुरू होते हैं, हियर कम्स द बस, देयर गोज द बस, तो ये जो सेंटेंसेज होते हैं ये भी किस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में होते हैं। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, कोई ऑथर है, उसकी कोई स्टेटमेंट है, उसको एक्सप्रेस करना है, तो वो भी किस में करेंगे, हम उस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में करते हैं, यानी वहाँ पे भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और SCIS का यूज करेंगे। ओके, शेक्सपियर सेज, तो शेक्सपियर ने आज थोड़ी ना कहा था, बहुत समय पहले कहा था, लेकिन जो उसकी स्टेटमेंट है उसको अगर हमें शो करना है तो उसको हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर और प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही उसको शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, रूल नंबर 9, कोई भी लाइव टेलीकास्ट, कोई भी आंखों देखा हाल बताना हो, कोई भी टेलीविज़न पे प्रोग्राम चल रहा हो, किसी भजन कीर्तन से आए हो हम लोग, तो वहाँ का जो भी दृश्य बताना है लाइव टेलीकास्ट का, तो वो भी किस में बताते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बताते हैं। ओके, गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल, कैच इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टम्प्स। ओके, गांगुली जी के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रूल नंबर जो 10 है हमारा, हिस्ट्री के पास्ट इवेंट्स को अगर हमें जीवंत या ताज़ा शो करना है, जैसे कि एट लास्ट राम किल्स रावण, लास्ट में क्या हुआ था भाई, राम ने रावण को मार दिया, तो हमें इनको मतलब ऐसे शो कर रहे हैं भाई अभी, जैसे कि ये जो हिस्ट्री की बातें हैं ये अभी प्रेजेंट में चल रही हैं, उनको हमें ताज़ा बनाना है, तब किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करवाती हूँ, ठीक है, एक बार प्रेजेंट इंडिफिनिट को एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे इनका यूज होता है, बाकी बेसिक तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार रूल को रिवाइज करवाती हूँ फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे चलेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट रूल था वो क्या कह रहा था फ्रेंड्स, जो हैबिचुअल होते हैं, कोई भी रिपीटेड जो रेगुलर जो एक्शन होते हैं, तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करते हैं भाई। ऑलवेज, सेल्डम, यूजुअली, ओकेजनली, ऑफन, ये जो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई कोई भी जो ऑथर होते हैं उनकी जो स्टेटमेंट होती है तो वो भी हमेशा किस में दिखाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिखाते हैं। कोई पजेशन दिखाना हो, अधिकार शो करना हो, तो वो भी हमारा क्या होता है, किस में, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में उसमें होता है। कोई मेंटल एक्टिविटी है, कोई हमारी इमोशंस है, फीलिंग्स है, इनको जो शो करती थी वर्ब लाइक नोटिस, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, सी, हियर, स्मेल, एग्री, अपीयर, लुक, सीम, इमेजिन, टारगेट, सपोज, माइंड, तो इन सब के साथ भी किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करते हैं। ओके, और हमारा क्या था, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो सार्वभौमिक तथ्य होते हैं जिनको सभी मानते हैं, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट का, जैसे कि सनराइज इन द ईस्ट, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ है। ओके, कोई फिक्स प्रोग्राम है फ्यूचर में तो उसको शो करने के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेज में अगर हमारा प्रिंसिपल क्लोज के अंदर क्या आ रहा है, विल सेल आ रहा है, आप फ्यूचर को छोड़ो, आप क्या याद रख लो, विल सेल आ रहा है, तो जो हमारा सबॉर्डिनेट क्लोज होगा, जो हमारा दूसरा क्लोज होगा, उसमें हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस लगाते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। साथ में मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं, जैसे कि हियर और देयर से स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे कोई लाइव टेलीकास्ट है, तो ये सब मोटे मोटे इंपॉर्टेंट रूल्स से आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखेंगे, कॉन्टिन्यूअस,
क्या कह रहा है, कॉन्टिन्यूअस जो चल रहा है अभी प्रेजेंट में, यानी उसके लास्ट में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती हैं, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती हैं, इज एम आर। इज कहाँ पे लगता है आप लोगों को पता है, सिंगुलर नाउन के साथ। आर कहाँ पे लगता है, प्लूरल नाउन के साथ। और एम कहाँ पे लगता है, आई के साथ। यू के साथ भी क्या लगता है, आर लगता है। ओके क्लियर। जो सब सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होगी वो कैसे बनती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। वर्ब की फर्स्ट की फॉर्म के साथ क्या लगेगा, हमेशा आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से क्या बनते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस बनते हैं। लाइक मैं आपको क्या कहूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। मैंने क्या कहा आपको, मैं खाना खा रहा हूँ। तो ये सेंटेंसेस आपको मिलता है, मैं खाना खा रहा हूँ। तो इसकी आपको क्या बनानी है, इंग्लिश, आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, तो ये क्या बन गई, इसकी इंग्लिश बन गई, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्योंकि आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, वर्ब के साथ हमने क्या लगा दी, आई एन जी लगा दी, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था। ओके तो देखिए इसके रूल पढ़ते हैं हम एक एक करके, समझ में आ गया। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर रूल है वो क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है उनका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए करता है जो बोलने ते जो हम बोल रहे हैं उस वक्त क्या हो, वो जारी हो, कंटिन्यू हो। जैसे कि मैं अभी बोलूँ, भाई मीना आ रही है, रमेश जा रहा है, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। तो यानी मैं जब बोल रही हूँ उस टाइम पे वो काम हो रहा है, इस तरह की एक्टिविटी को शो करने के लिए किस टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर का यूज करते हैं। ओके जैसे कि आप लोगों को वहाँ पे क्या मिलेंगे, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस टाइम, दिस मॉर्निंग, करंटली, ऐसे जो समय सूचक शब्द हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मीना इज कमिंग नाउ, योर टीचर इज टीचिंग चैप्टर 5। तो ये जब मैं बोल रही हूँ उसी टाइम पे एक्शन हो रहा है, तो इसको शो करने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। ओके एक फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था ना, भाई जो फ्यूचर जो प्लान होते हैं तो उनके लिए प्रेजेंट किसका यूज कर रहे थे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर रहे थे। लेकिन अगर हमारा फ्यूचर का प्लान है वो निकट भविष्य में है, बिल्कुल पास में है, तब वहाँ पे किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ओके जैसे ही इज गोइंग टू मुंबई टुमारो, तो वहाँ पे तो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, इस तरह के प्लान थे, तो वहाँ पे तो किसका यूज कर रहे थे हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नियर हैं, तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट, ऐसे टेम्परेरी एक्शन जो बोलने के वक्त तो नहीं हो रहे लेकिन उपयुक्त समय के आसपास हो रहे थे। जैसे कि मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, मैं एक किराए के घर में रह रही हूँ। तो मैं बोल रही हूँ उस टाइम पे एक्शन थोड़ी ना हो रहा है, लेकिन मैं जिस टाइम की मैं जो बात कर रही हूँ, अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर रही हूँ, तो मैं वैसा कर रही हूँ ना, तो वो किस वहाँ पे किसका यूज किया करेंगे हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, इज एम आर लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सी इज स्टडिंग इंग्लिश दिस डे, वो इन दिनों क्या पढ़ रही है, इंग्लिश पढ़ रही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, कोई भी इरादा हो, कोई संभावना हो, इंटेंशन हो, लाइकलीहुड हो, ठीक है, इनके बोध कराने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि ही इज गोइंग टू डाई, तो भाई वो क्या है, मरने वाला है, तो ऐसी क्या है, उसकी संभावना है। आई एम गोइंग टू सी माई फादर, मैं अपने फादर को देखने जाने वाली हूँ। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं वहाँ पे भी किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, कई बार कार्य जारी अवस्था में होते हुए भी दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जैसे कि कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, जो कॉम्पिटिशन है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, ये कंटिन्यू अवस्था में है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएंगे। कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज, जो कोस्टल एरिया हैं, जो तटीय सीमाएं हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, सबमर्ज होती जा रही हैं। पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है, कॉम्पिटिशन है वो धीरे धीरे बढ़, बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे कि ये कंटिन्यू रूप में हो रहा है, लेकिन वहाँ पे भी किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके
सो फ्रेंड्स, ये कुछ रोल थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। साथ में जो अभी मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आप लोगों को जो वर्ब की फॉर्म बताई थी, सी, हियर, इमेजिन, थिंक वगैरह की जो बताई थी ना, तो वहाँ पे ये जो हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इनका यूज नहीं होता है। इनका यूज कहाँ पे होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ रूल थे, अगर आप लोग इनकी हेल्प से आगे क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों से आराम से सोल्व हो जाएंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश स्टार्ट की है, क्योंकि मेरे पास इसके मेरे को आते तो था ये, मैं आपको करवा तो सकती थी, लेकिन मेरे पास इसके नोट्स नहीं थे, तो आप लोगों के लिए स्पेशल मैंने नोट्स बनाए हैं। आप लोगों को नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूँगी, एक दो दिन में आप लोगों को चैनल पर ही इन्फॉर्म कर दूँगी, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या काम करना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना है, कोई डाउट है तो वो पूछना है आप लोगों को, साथ में आपको वीडियो को सभी के साथ शेयर करना है, ओके। जो एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना तो आप कमेंट करते हो, ना ही आप वीडियो को लाइक करते हो, पता नहीं क्या करते हो। वैसे मैं एक दिन भी अगर क्लास ना लूँ तो आप बोलते रहते हो कि मैंने क्लास नहीं ली, मैंने तो छुट्टी मार ली, ओके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।